हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल celebrity.com। टुडे आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तेरे बिन ड्रामे के सीज़न 2 के बारे में। अगर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह उदास हैं कि तेरे बिन ड्रामा ख़त्म हो गया है, तो अब हम कौन सा ड्रामा देखें, तो आपको कोई भी ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने जियो की जानिब से एक शानदार सा तेरे बिन ड्रामा का सीज़न 2 पेश किया जाएगा। फिकर आज अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को नशर किया गया, तो साथ ही अब्दुल्ला कादवानी ने ये न्यूज़ भी नशर कर दी कि हम बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामे का सीज़न 2 भी अनाउंस करने वाले हैं, जिसके लिए आप सब तैयार हो जाएं। और साथ ही उन्होंने ड्रामे की कास्ट के बारे में भी बताया कि इस ड्रामे में आप कौन कौन से अदाकार काम करेंगे। यानी सीज़न 1 में हम सब ने देखा कि इसमें जुमला, जैदी, बहाज अली और सबीना फरूक और बहुत सारे बड़े एक्टर थे। मगर यहाँ फ्रेंड्स की जानिब से ये सवाल किया गया है कि सीज़न 2 में कौन कौन से एक्टर कास्ट किए गए हैं, क्योंकि ड्रामा तेरे बिन सीज़न 2 फैंस के कहने पर बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो अब्दुल्ला कादवानी की जानिब से अवाम को दी गई, वो ये थी कि अवाम की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए कास्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी इस ड्रामे की कास्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन अवाम की पसंद और नापसंद को अहमियत दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तेरे बिन ड्रामे सीज़न 2 के लिए किन किन अदाकारों को चूज़ किया है। ड्रामा तेरे बिन सीज़न 2 का सीज़न 1 से भी ज़्यादा सुपरहिट बनाने की कोशिश की जा रही है। सीज़न 2 में तमाम ऐसे किरदार शामिल हैं जो इंडस्ट्री के सुपर हिट अदाकारों में शामिल हो गए। इससे पहले पाकिस्तानी हिस्ट्री में बहुत सारे सुपर डुपर ड्रामे आए हैं, मगर जो रिकॉर्ड इस ड्रामे ने कायम किया है, आज से पहले पाकिस्तानी तारीख में कभी भी ऐसा रिकॉर्ड कायम ना हो सका। बाकायदा एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने खुद इस बात पर स्टोरी लगाई हुई है कि आज से पहले कभी भी ऐसा रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस पर अब्दुल्ला कादवानी ने कहा कि हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे को इतनी शोहरत दी, क्योंकि जब से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बनी है, कभी भी किसी ड्रामे ने इतनी शोहरत हासिल नहीं की जितनी इस ड्रामे ने हासिल की। ये ड्रामा तो हमारे हिंसा मुल्कों में भी देखा गया है, जैसे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहा। यानी इंडियन यूट्यूब पर जो वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई, वो तेरे बिन ड्रामे की एपिसोड थी। इंडिया में भी ये ड्रामा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा साबित हुआ। आज तक किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे ने 5 महीनों में बिलियन प्लस व्यू नहीं लिए, मगर इस ड्रामे ने बिलियन प्लस व्यू लिए। फिर इन बिलियन प्लस व्यू का फ्रेम बनाकर जुमला जैदी को गिफ्ट भी दिया गया, जो इन्होंने अवाम के सामने आकर अनवैक किया और कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर अल्लाह ताला ना चाहते तो ये कामयाबी ना होती। ड्रामे के सीज़न 2 के बारे में आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस ड्रामे के सीज़न 2 की कास्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार होंगे। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि इस ड्रामे में हया को कास्ट ना किया जाए, लेकिन हम आपको बताते जाएंगे इस ड्रामे के सीज़न 2 में हया अपना किरदार अदा करेगी। नंबर 2 पर ड्रामा तेरे बिन सीज़न 2 में जो कास्ट की जाने वाली अदाकारा है, वो है बुशरा अंसारी, जो माँ बेगम का किरदार अदा कर रहे थे। वो अब ड्रामा तेरे बिन सीज़न 2 में भी माँ बेगम का किरदार अदा करेंगे। 3 पर जो ड्रामा तेरे बिन की कास्ट है, वो है मलिक जुबैर। यानी मलिक जुबैर से हमारी जान नहीं छुटेगी, बल्कि वो हमें सीज़न 2 में भी देखने को मिलेंगे। मलिक जुबैर के साथ साथ हमें मरियम भी देखने को मिलेंगी। कुछ अर्सा पहले उन्होंने लाइव आकर कहा था कि हम आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, और स्पेशल यही था कि वो सीज़न 2 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तेरे बिन ड्रामे में सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी मरियम अपने बहुत सारे किरदार अदा करेंगी, क्योंकि मरियम के अभी बहुत सारे मसले हैं जो सीज़न 1 में सॉल्व नहीं हुए, अब सीज़न 2 में सॉल्व किए जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये ड्रामा बहाज अली की वजह से सुपर हिट हुआ है, क्योंकि बहाज अली की पर्सनैलिटी को इस ड्रामे में काफ़ी पसंद किया गया। आपके मुताबिक ये ड्रामा किसकी वजह से सुपर हिट साबित हुआ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।